बिलासपुर के पूर्व विधायक बम्मर ठाकुर ने तपती दोपहर में मोमबत्ती और लालटेन जलाकर किया विरोध। भाकड़ा विस्थापितों के शहर बिलासपुर में ग्रीकर लगाने तथा विभिन्न विभागों में फैली अव्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक बम्मर ठाकुर द्वारा उठाई जा रही आवाज की सुनवाई न होने से क्षुब्ध बम्मर ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ सोई सरकार को जगाने के लिए तपती दोपहरी में लालटेन और मोमबत्तियां जलाकर नगर में कॉलेज चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश सरकार तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी कर अपना गुब्बार निकाला। पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर की अगुवाई में शहर के कॉलेज चौक पर 2 घंटे भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने चुनावी फायदा लेने के लिए भाकड़ा विस्थापितों के शहर में ग्रीकर लगाकर नया शिबुका छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि नड्डा ने विस्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए जमीन देने, जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती, हाउस टैक्स न लगाने का वायदा किया था, लेकिन चुनाव सम्पन्न होने के तुरंत बाद ही वह दिल्ली चले गए और प्रशासन ने विस्थापितों को हाउस टैक्स के नोटिस थमा दिए। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा ने भाकड़ा विस्थापितों के कब्जों को नियमित करने की घोषणा की थी, लेकिन अब उन्हें तोड़ा जा रहा है, जबकि वीरभद्र सरकार ने विस्थापितों के हक के लिए नीति बनाई है, जिसके तहत कुंजा परिवार मालिक भी बन गए हैं। अब अन्य परिवारों को मालिक का हक नहीं दिया जा रहा है। बम्बर ठाकुर ने कहा कि जिला अस्पताल में 4 डॉक्टरों के तबादले कर दिए गए हैं, क्योंकि वे भाजपा समर्थित नहीं थे। आज हमने बिलासपुर अस्पताल में डॉक्टरों को की कमी को लेकर के जो अस्पताल को बंद कर दिया है, उस बद इंतजामी के खिलाफ हमने यहाँ पे धरना रखा है। और 1997 से जेपी नड्डा ने बिलासपुर वासियों के जो विस्थापितों का जो शहर है, एक फैसला किया था कि यहाँ पे हाउस टैक्स लगाया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने उसको लगने नहीं दिया। आज जबरन लोगों को जो है हाउस टैक्स के नोटिस थमाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ हमारा यह धरना है। और भाखड़ा विस्थापितों को लेकर के उनके डिमांड्स को लेकर के जो जेपी नड्डा ने हड़ताल की थी कि मैं सबके कब्जे जो है रेगुलर कर दूंगा, आज सब लोगों के मकानों के ऊपर जो है जेसीबी का पंजे का डर बना हुआ है। हाईकोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो नीति बनाई थी उसके ऊपर केवल मात्र पूंजा लोगों को उसका मालिकाना हक मिला है, बाकी लोग उसके मालिक नहीं बन पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने कहा था कि हम उनको मालिक बनाएंगे, लेकिन कोई काम उन्होंने इसमें नहीं किया, जिसके फलस्वरूप हम 3 मुद्दों को लेकर यहां पे आज हड़ताल कर रहे हैं कि जेपी नड्डा दिल्ली में केंद्र सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, एक भी डॉक्टर यहां पे नहीं है। मैं फोटोग्राफ अभी और रिलीज करूंगा। पूरे अस्पताल में ताला लगा हुआ है। 9 बजे 1000 के करीब मरीज वहां पे खड़े थे, एक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं, पूरी ओपीडी में ताले लगे हुए। एक हमारी हड़ताल का कारण ये है। दूसरा, हाउस टैक्स यहाँ पे नहीं लगने देंगे। तीसरा, क्योंकि तीनों के तीनों फैसले जो है नड्डा ने किए हैं। तीसरा जो है तोड़फोड़ के ऊपर जो है हमारा मुद्दा है कि तोड़फोड़ शहर के अंदर हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, विस्थापितों को दोबारा हम बर्बाद नहीं होने देंगे।